हे हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री कंट्रोल। कैसे हैं आप? सर, देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सरफेस केमिस्ट्री के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि एक क्रैश कोर्स है, जहाँ पे हम सरफेस केमिस्ट्री के कुछ मेन मेन पॉइंट्स जो कि आईआईटीएम के पेपर से पहले या किसी भी एमएससी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पेपर से पहले आपको वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए, एक क्विक रिविजन करेंगे। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ा नहीं है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप एटलीस्ट पढ़ के जाइए, और ये बहुत शॉर्ट में आपको मैं बताने वाला हूँ। एटलीस्ट आधे घंटे का ये वीडियो होगा, इस आधे घंटे के वीडियो में आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो सरफेस केमिस्ट्री की आपको याद रहनी चाहिए, इन केस अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा हो। ओके, सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री जो होता है डील्स विद, इसमें दो टॉपिक होते हैं, एक होता है कोलोइडल सॉल्यूशंस और एक होता है हम सरफेस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ हम कोलोइडल्स के बारे में या कोलोइड्स के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ बात करने वाले सरफेस फिनोमेनन के बारे में। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिनोमेनन, एडसॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। आई होप आपको पता होगा, एडसॉर्प्शन वो फिनोमेनन होता है जहाँ पे सरफेस पे कोई चीज आके जमा हो जाती है, उसे एडसॉर्प्शन कहते हैं। दो वर्ड हमेशा याद रखना, सबसे पहला होता है एडसॉर्बेट, जो चीज जमा होती है वो एडसॉर्बेट होती है, और जिसके ऊपर जमा होती है उसे हम एडसॉर्बेंट कहते हैं। अब एडसॉर्प्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, इसको हम कहते हैं एडसॉर्प्शन, ठीक है, इस चीज को याद रखना। एडसॉर्प्शन दो टाइप का होता है, फिजिकल एडसॉर्प्शन हो सकता है, केमिकल एडसॉर्प्शन हो सकता है। फिजिकल एडसॉर्प्शन जब वहां पर होता है तो वो काफी वीक होता है, और आप ये नेचुरली हर जगह देखते हो, कांच के ऊपर धूल का जम जाना, घर में धूल जम जाना, आप जहां पर भी कोई भी चीज एक दूसरे के ऊपर चिपकती हुई देखते हो जिसको आप फूंक मार के उड़ा सकते हो, एक तरीके से वो फिजिकल एडसॉर्प्शन है, और वो काफी वीक होता है। केमिकल एडसॉर्प्शन जो होता है वो काफी स्ट्रांग होता है और काफी सिलेक्टिव होता है। अब इनमें फर्क क्या होता है, सीधे के फिजिकल एडसॉर्प्शन में जो चीज आके चिपकती है यहाँ पर सरफेस के ऊपर, जो चीज आके चिपकती है वो बहुत ही वीक वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से चिपकी होती है। याद रखना, वैन डर वाल फोर्सेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, तो वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से चिपकी होती है। और केमिकल एडसॉर्प्शन में एक तरीके का वहां पे केमिकल बॉन्ड जैसा फॉर्मेशन हो जाता है, जैसा केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, तो यहाँ पर जो होता है आप ऐसे लिख सकते हो, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है आपके एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक सॉर्ट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए उसको हम स्ट्रांग एंड सिलेक्टिव कहते हैं, और एक तरीके से आप इसे परमानेंट भी कह सकते हो, ये एक परमानेंट एडसॉर्प्शन होता है। तो ये दो टाइप के एडसॉर्प्शन याद रखना, इन दो टाइप में कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। फिजिकल एडसॉर्प्शन को फिजिसऑप्शन भी कहा जाता है, केमिकल एडसॉर्प्शन को केमिसऑप्शन भी कहा जाता है। ये काफी वीक होता है, ये काफी स्ट्रांग होता है। अब देखिए, एडसॉर्प्शन ऑफ गैस, हम स्पेशली जब एडसॉर्प्शन की बात करते हैं तो गैसेस के बारे में बात करते हैं, कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक पार्टिकल होता है, उसके ऊपर एक गैस का मॉलिक्यूल आके अगर एडसॉर्ब करता तो वो किस किस चीजों पर डिपेंड करता। सबसे पहली बात, वो डिपेंड करेगा सरफेस एरिया पे। याद रखना, एडसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। क्यों? अगर मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर ऐसे होता और अगर मैं उसको मान लीजिए चार छोटे छोटे क्यूब्स में काट दूं, तो डोंट यू फील सरफेस एरिया बढ़ गया? अब यहाँ पर सिर्फ इतने इतने एरिया पे मॉलिक्यूल चिपक सकता था और यहाँ पर मॉलिक्यूल चिपक सकता था, लेकिन जैसे ही आप उसको काट देते हो तो अंदर का जो सरफेस एरिया है ये वाला, देखो ये नया अवेलेबल हो गया एरिया, ये एरिया नया अवेलेबल हो गया। इसीलिए आप जितना इसको पाउडर्ड करते जाओगे, जितना इसको पाउडर्ड फॉर्म में करोगे, उतना एडसॉर्प्शन का रेट और एडसॉर्प्शन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो एडसॉर्प्शन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। सरफेस एरिया, जैसे जैसे आप हैवी बल्क से स्मॉल पार्टिकल्स की तरफ जाते हो, सरफेस एरिया बढ़ता है। इसीलिए देखना आप, नैनो पार्टिकल्स की आजकल बड़ी धूम मची हुई है, हर जगह नैनो पार्टिकल्स के, नैनो साइंस के बारे में बात की जाती है, क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया जो होता है पार्टिकल्स का, वो काफी मतलब मॉलिक्यूल छोटा हो जाता है और ओवरऑल सरफेस एरिया बढ़ जाता है। पहली तो ये बात याद रखना। अब गैसेस की बात कर रहे हैं हम स्पेसिफिकली, तो अगर गैसेस होती हैं, गैसेस ऑलरेडी बहुत हायर स्टेट में होती हैं, अगर वो कहीं जा के चिपकने वाली हैं, अगर वहां का भी टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करके उड़ जाएंगी। इसीलिए एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस की अगर बात की जाएगी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे, एडसॉर्प्शन ऑफ गैस कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम रखोगे, एडसॉर्प्शन ऑफ गैस ज्यादा होगा। ये नंबर टू पॉइंट याद रखना। नंबर थ्री, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस जो होता है, थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक समझ लो एक तरीके से। आपने अगर गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ा होगा, कोई भी गैस लिक्विफाई, देखो एडसॉर्प्शन का मतलब आप समझ रहे हो एक चीज तरीके से, अगर मान लीजिए मेरे पास ये गैस का मॉलिक्यूल है और वो गैसियस स्टेट में है, जब वो आके चिपक जा रहा है तो डोंट यू फील वो एक तरीके से लिक्विफाई हो जा रहा है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और वो वहां पे आके चिपक जाएगा, रुक जाएगा। कोई भी चीज जब रुक जाती है, एक तरीके से हम कहते हैं कि वो गैसियस स्टेट में नहीं है, वहां पे ठंडी हो जा रही है आगे। तो गैस का मॉलिक्यूल जब वहां पे आके चिपकेगा तो एक तरीके से वो लिक्विफाई हो रहा है। अब अगर वो लिक्विफाई हो रहा है तो लिक्विफिकेशन ऑफ अ गैस, देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस, आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, आइडियल एंड नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में भी कुछ गैसेस होती हैं जो इजिली कंप्रेसिबल होती हैं, कुछ गैसेस होती हैं जो परमानेंट बिहेवियर दिखाती हैं, वहां पे क्रिटिकल टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमेशा याद रखना, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है वो गैस इजिली लिक्विफिएबल होती है। तो आप याद रखना, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन भी बढ़ेगा। क्यों? रीजन बता देता हूं, याद रखना। हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर ऐसे मैं ऐसे लिखता हूं,
अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विफिकेशन होने का लिक्विफिकेशन लिक्विफिकेशन होने का टेंडेंसी भी बढ़ता है। अगर लिक्विफिकेशन होने का टेंडेंसी बढ़ता है तो ऑब्वियस ही बात है उसका एड्सॉर्प्शन होने का जो रेट होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इस सिंपल सी चीज को याद रखना। दूसरी बात, अगर एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस की बात की जाती है, जैसे जैसे तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बढ़ती जाएगी, लेकिन हर प्रेशर पे नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास तीन अलग अलग रूल्स हैं जिनको हमको पढ़ना है। हमेशा नहीं होगा कि प्रेशर इंक्रीज करो एड्सॉर्प्शन होता जाएगा, समझा। अब यहाँ एक और स्टेटमेंट याद रखना, फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो मल्टी लेयर हो सकता है, इट कैन बी मल्टी लेयर, लेकिन जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि वो मोनोलेयर होता है, ठीक है। मोनोलेयर यानी एक ही लेयर केमिकल बॉन्ड की आगे चिपकती है, उसके बाद अगर होगा भी तो बिकॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन वैन डेर वाल्स फोर्सेस हो सकता है मल्टी लेयर, बट यूजुअली केमिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है वो सिंगल लेयर होता है। इस चीज को याद रखना, फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है वो मल्टी लेयर हो सकता है, लेकिन मल्टी लेयर में भी फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर ज्यादा ज्यादा थर्ड लेयर तक जाते जाते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर पड़ जाती है, ठीक है। आई होप रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस किस किस पे फैक्टर पे डिपेंड करती है ये चीज आपको समझ में आई। इस स्लाइड से जितनी भी चीजें आपको याद होंगी, अगर आपको ये स्लाइड चाहिए होगी देखने के लिए तो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है केमिस्ट्री एंट्रोल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, केमिस्ट्री एंट्रोल टेलीग्राम ग्रुप, मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां पर जाके इस पूरी स्लाइड को ले सकते हो। आगे अब देखो, एड्सॉर्प्शन बढ़ते समय हमारे पास सबसे पहला जो एक जो साइंटिस्ट इन्होंने काम किया हुआ था फ्रेंडुलिस आइसोथर्म। ना फ्रेंडुलिस सर ने क्या क्या बताया, फ्रेंडुलिस सर ने बताया कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक एड्सॉर्बेंट है, सम अमाउंट ऑफ मास चारकोल समझ लीजिए, अगर उसका मास m है, उस एड्सॉर्बेंट का मास m है और उसके ऊपर एक गैस आके चिपक जाती है, मान लीजिए गैस आके एड्सॉर्ब हो जाती है और उसका वजन होता है x, यानी x अमाउंट ऑफ गैस, हम सिर्फ वजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम वॉल्यूम एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। इसका मास m होगा और जो गैस आके चिपक जा रही है उसका मान लीजिए वजन होता है x। अब हमें यह पता करना है कि x अमाउंट ऑफ गैस, x ग्राम ऑफ गैस डिपॉजिट हो गई है m ग्राम पे। अगर इसका मास m है और उसके ऊपर x ग्राम आके डिपॉजिट हो गई है, अगर मैं अपने पूछूं कि एक ग्राम पे, एक ग्राम इस एड्सॉर्बेंट पे कितनी गैस डिपॉजिट हुई होगी, तो सीधी सी बात है x बाय m। तो x बाय m को हम कहते हैं अमाउंट ऑफ गैस डिपॉजिटेड पर यूनिट मास, अमाउंट ऑफ गैस डिपॉजिटेड पर यूनिट मास। तो फ्रेंडुलिस सर ने क्या बताया कि अमाउंट ऑफ गैस डिपॉजिटेड पर यूनिट मास जो होगा वो डिपेंड करता है प्रेशर पे, एंड इट इज नॉट ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, रेज टू 1/n। इस फॉर्मूले को अगर आप याद रख सकते हो लास्ट के मोमेंट्स पे या शॉर्ट टाइम में, तो ये बहुत काम कर। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर का पेपर अगर मैं बात करूं 2018 या 2017 में क्वेश्चन इसके ऊपर आ बन चुका और आया भी था, ठीक है। तो x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेस टू 1/n। n यहाँ पे जो होता है वो एक तरीके से कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट का मतलब इसकी जो वैल्यूज होती है वो डिपेंड करती है क्या होंगी। तो x बाय m विल बी इक्वल टू k, इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट कह सकते हैं, p रेस टू 1/n। तो अगर ये फॉर्मूला ना सही, तो ये फॉर्मूला अगर आप बाय हार्ट कर लो तो यही फॉर्मूला होता है हमारे फ्रेंडुलिस आइसोथर्म का। अब आइसोथर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम ये पूरा प्रोसेस कर रहे होते हैं, हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर यहाँ पे जो होगा हमारा, टेम्परेचर को हम क्या लेके चलते हैं, हम टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रख के चलते हैं, इस बात को याद रखना। अब अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा, x बाय m वर्सेस प्रेशर, x बाय m वर्सेस प्रेशर। तो अगर मान लीजिए 60 डिग्री यानी हायर टेम्परेचर पे बात करूंगा तो एड्सॉर्प्शन कम होगा, 50 डिग्री पे करूंगा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, 40 डिग्री पे करूंगा तो एड्सॉर्प्शन और भी ज्यादा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन या एड्सॉर्प्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, x बाय m का मतलब समझ गए, एक ग्राम एड्सॉर्बेंट पे कितना गैस डिपॉजिट हुआ है उसको हम x बाय m कहते हैं, वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो पहले पहले लो प्रेशर पे अगर आप देखो तो लो प्रेशर पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पर जैसे जैसे आप हाई प्रेशर पे चले जाते हो, हाई प्रेशर पे वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। मतलब लोअर प्रेशर पे अगर आप देखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता है, लेकिन हायर प्रेशर पे जाने के बाद वो क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट प्रेशर से इंडिपेंडेंट। क्योंकि भाई एक बार अगर सरफेस भर गया, एक बार इस सरफेस पे पूरा एड्सॉर्प्शन हो गया, उसके बाद आप कितना ही प्रेशर लगा लो उसके बाद थोड़ी ना एड्सॉर्प्शन होने वाला है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, हायर प्रेशर पे x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेस टू 0 और लोअर प्रेशर पे x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेस टू 1 और जो बीच की वैल्यूज होती हैं, ये जो बीच वाला होता है, इसीलिए हम वहां पे 1/n फ्रैक्शन हो जाता है। अगर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0 होता है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेस टू 1 होता है ना, तो यहाँ बीच में जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो फ्रैक्शन हो जाएगा। तो मॉडरेट टेम्परेचर पे x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेस टू सम फ्रैक्शन, प्रेशर रेस टू सम फ्रैक्शन। तो लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p रेस टू 1, हाई प्रेशर पे p रेस टू 0, p रेस टू 0 का मतलब इंडिपेंडेंट हो गया, फर्क नहीं पड़ता कितना प्रेशर लगा रहे हो, और मॉडरेट प्रेशर पे वो क्या हो जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है।
प्रेशर के फ्रैक्शन में आ जाता है, मतलब ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। अगर आपने काइनेटिक्स पढ़ी हो तो लोअर प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर होता है, हायर प्रेशर पे जीरो ऑर्डर होता है, और मॉडरेट प्रेशर पे वो फ्रैक्शन में चला जाता है, इतना याद रखना। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं लॉग लगा दूं, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, तो ये लॉग के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। आई होप ये बहुत सिंपल है, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये एडिशन में चला जाएगा, वन बाय एन नीचे आ जाएगा। अब दिस वर्सेस प्रेशर, अब लॉग टू द बेस टेन एक्स बाय एम वर्सेस लॉग टू द बेस प्रेशर का ग्राफ प्लॉट किया जाए, देखो ये जो प्रेशर था एक्स बाय एम वर्सेस प्रेशर था, अब अगर यहां पर भी लॉग लगा दिया जाए, यहां पर भी लॉग लगा दिया जाए, तो ग्राफ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं ये दोनों नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ एक को लेके चल रहा हूं, समझ में आया। यहाँ पे तो मैंने टेम्परेचर के साथ आपका डिपेंडेंसी बता दिया, अब मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, तो सिर्फ एक लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए ये 60 डिग्री वाला ग्राफ है हमारा, 60 डिग्री वाला ग्राफ है, तो x by m log to the base 10 x by m versus log to the base 10 pressure का जो ग्राफ आएगा वो ऐसा निकल के आएगा। यहाँ पर अब आपका जो log to the base 10 k हो जाएगा वो एक इंटरसेप्ट हो जाएगा, दिस इंटरसेप्ट हो जाएगा log to the base 10 का, और स्लोप विल बी 1 by n, स्लोप विल बी 1 by n। आई होप आप ये चीज याद रहेगी, ये दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही बात बता रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेट बदल गया। यहाँ पर एक तरीके से ये कर्व नेचर बता रहा था, यहाँ पर हमने इसको लीनियर ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया, समझ में आया। तो बस फ्रेंडली आइसोथर्म ने इतना याद रखना, ये दो ग्राफ याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर पे क्या होता है, अगर इतना समझ में आ गया फ्रेंडली आइसोथर्म खत्म हो गया। इसी के ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, न्यूमेरिकल में भी शायद ना आए, ग्राफिकल क्वेश्चन आएगा, स्लोप दिया जा सकता है, आपको एन का वैल्यू पूछा जा सकता है, कुछ भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगला जो हमारे पास है उसे कहा जाता है लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसको यूनिमोलिकुलर थ्योरी भी कहते हैं, लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, यूनिमोलिकुलर थ्योरी। अब इसमें बेसिकली फंडा क्या होता है कि हमारे पास जो फ्रेंडली आइसोथर्म था वो एक जनरल एक्सप्रेशन था, एक जनरल उन्होंने बताया, पर लैंगमुइर सर ने क्या किया कि मोनोलेयर के बारे में बात किया। मोनोलेयर का मतलब यूनिमोलिकुलर, मोनोलेयर एक सिंगल मॉलिक्यूल है, यूनिमोलिकुलर है, और मोनोलेयर एडसॉर्प्शन दिखाएगा, मल्टीलेयर नहीं बनाएगा। तो लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में हम यूनिमोलिकुलर और मोनोलेयर की बात करते हैं, यूनिमोलिकुलर मैंने एक सिंगल मॉलिक्यूल और मोनोलेयर की बात करते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास ये पूरा जो येलो कलर का पार्टिकल देख रहे हो, ये मेरे पास एक सरफेस एरिया है, एंटायर सरफेस एरिया है। उस सरफेस एरिया में से कुछ हिस्से पे आके एडजॉर्प्शन हो चुका है और कुछ हिस्सा जो है वो अभी भी एडजॉर्प्शन नहीं हुआ है। अगर पूरे एरिया को वन मानता हूं, जैसे 100% मानते हैं, तो मैं यहाँ पे पूरे एरिया को वन मानता हूं, तो जितने एरिया में एडजॉर्प्शन, अब यहाँ सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग वजन की बात कर रहे थे फ्रेंडलीज में, वजन ऑफ एडजॉर्बेंट, वहां एज सरफेस एरिया नहीं बात कर रहे थे, देखो मास ऑफ एडजॉर्बेंट और मास ऑफ गैस एडजॉर्ब। लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में हम सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो मान लीजिए अगर ये मेरा सरफेस एरिया है जिसपे एडजॉर्प्शन हो चुका है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल सरफेस एरिया कवर्ड और फ्रैक्शन ऑफ टोटल सरफेस एरिया अनकवर्ड। अब मुझे एक बात बताओ, जो चीज कवर्ड हो चुकी है उस पे तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड नहीं करेगी, तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगी, जो अनकवर्ड है, भाई कितना हिस्सा खाली है उस पे डिपेंड करेगा कि कितना एडजॉर्प्शन एक सेकंड में होगा। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन विल बी इक्वल टू रेट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। पहली बात तो डिपेंड करेगा प्रेशर पे, कितने प्रेशर से आ रहा है, दूसरी बात कितना एरिया अनकवर्ड है, तो अनकवर्ड एरिया कितना होगा, 1 माइनस थीटा। अगर थीटा इज दी कवर्ड एरिया जिसपे ऑलरेडी एडजॉर्प्शन हो चुका है, तो अनकवर्ड एरिया कितना हो जाएगा, 1 माइनस थीटा, बिकॉज एंटायर एरिया को मैंने 1 मान के चला है, तो दिस विल बी 1 माइनस थीटा। यानी दो चीजों पे डिपेंड करेगा, पहला तो प्रेशर पे और दूसरा 1 माइनस थीटा पे। अब यहाँ पे एडजॉर्प्शन के अलावा डिजॉर्प्शन भी हो रहा होगा, डिजॉर्प्शन का मतलब समझते हो, जो चीज मॉलिक्यूल आके चिपक चुका है वो ऑब्वियसली बात है निकलने की भी कोशिश करेगा, एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन, क्लियर है। अब डिजॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा, डिजॉर्प्शन थोड़ी ना प्रेशर पे डिपेंड करेगा, चिपकना थोड़ी ना निकलना है, तो किस पे डिपेंड करेगा कि कितना सरफेस एरिया कवर्ड है। तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कवर्ड सरफेस एरिया, समझ में आया। अब एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पे एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब जितना एडजॉर्प्शन हो रहा है उतना ही डिजॉर्प्शन हो रहा है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन को हमने इक्वेट किया, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें सिर्फ बेसिक फंडा याद रखो कि क्या कर रहे हैं। और यहां से फिर हमने क्या किया, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन निकाला, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन निकाला, यहां से हमने थीटा यानी कितना सरफेस एरिया कवर्ड है उसका फॉर्मूला निकाल दिया। इसको रीअरेंज करने के बाद हमें मिल गया के ए इंटू पी अपॉन के डी प्लस के ए इंटू पी। अब देखो दो दो कांस्टेंट है, एक तो रेट कांस्टेंट है एडजॉर्प्शन का और एक रेट कांस्टेंट है डिजॉर्प्शन का। हमने क्या किया, ऊपर नीचे दोनों तरफ के डी से डिवाइड कर दिया। तो अगर के ए बाय के डी करोगे और के डी बाय के डी करोगे, के ए बाय के डी करोगे, तो यहाँ तो वन हो जाएगा, तो देखो वन आ गया। और के ए बाय के डी जो हमने किया, के ए बाय के डी, उसको हमने नाम रख दिया बी, और इसको कहा जाता है एडजॉर्प्शन कोएफिशिएंट। यानी दो, जैसे हम लोग वो पढ़ते हैं ना इक्विलिब्रियम को कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड का डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड का जो रेशियो होता है, वैसे यहाँ पे रेट कांस्टेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ डिसॉर्प्शन का जो रेशियो आएगा, हम उसे कहते हैं एडसॉर्प्शन कोएफिशिएंट। वो हमने यहाँ पे बी से सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस इक्वेशन को बाय हार्ट करने की कोशिश करना, ये भले ही कुछ याद रहे ना रहे, ये इक्वेशन याद रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बी का वैल्यू क्या है ये याद रखना। अब देखो एक अगला गेम खेलते हैं। अगर मान लीजिए टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस एडसॉर्ब पर यूनिट मास, अब मान लीजिए जो गैस एडसॉर्ब हुई है उसकी कुछ वॉल्यूम ऑफ गैस एडसॉर्ब हुई होगी। मान लीजिए मेरे पास कुछ गैस थी, कुछ गैस में से कुछ जाके चिपक गई, और मैं मान के चलता हूँ कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस चिपक चुकी है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर ये जो मेरा माइक है मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ये जो ब्लैक कलर आप देख रहे हो, मान लीजिए ये मेरा चारकोल है, मेरे पास हाइड्रोजन की गैस है, हाइड्रोजन की गैस इसके ऊपर आके चिपक चुकी है, कुछ एरिया में हाइड्रोजन की गैस चिपक चुकी है, तो भाई कुछ वॉल्यूम जाके चिपकी होगी ना। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एडसॉर्ब पर यूनिट मास पे कितना वॉल्यूम ऑफ गैस जाके चिपका है उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंटायर यूनिट मास को कवर करने के लिए, एंटायर कंप्लीट एरिया को कवर करने के लिए जितनी गैस की जरूरत, इस पूरे चारकोल को कवर करने के लिए जितनी गैस की जरूरत थी उसे हम वी एम कह देते हैं। अब समझने की कोशिश करना, अगर पूरे एरिया को कवर करना है, एंटायर एरिया को अगर कवर करना है, मैं इसको पीछे ले लेता हूँ, ठीक है, ये डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, अगर पूरे एरिया को कवर करना है तो वीएम का वॉल्यूम लगेगा, उतनी वॉल्यूम ऑफ गैस जानी चाहिए तो पूरे एरिया को जाके कवर कर ले, ठीक है। तो वीएम करस्पॉन्ड्स टू यूनिट एरिया, यानी कंप्लीट एरिया को करने के लिए एडसॉर्प्शन से उसको भर देने के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा, और वी रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो एरिया है ये टीटा पे कितना जाके डिपॉजिट हुआ है, इस टीटा पे कितना वॉल्यूम जाके डिपॉजिट हुआ है। समझ में आया? तो कैन आई से टीटा इज नथिंग बट, कितना एरिया कवर्ड होगा इज नथिंग बट वी डिवाइडेड बाय वीएम, टोटल कितना वॉल्यूम लग रहा था और अब कितना वॉल्यूम डिपॉजिट हुआ है, उससे भी हम टीटा का वैल्यू पता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये लॉजिक समझ में आया। अगर पूरे एरिया को कवर करने के लिए 5 ml का वॉल्यूम लगता है और अभी सिर्फ 2 ml जाके डिपॉजिट हुई है, तो मैं इससे समझ सकता हूं कि कितना एरिया ऑक्यूपाई हुआ होगा, क्योंकि पूरे एरिया को कवर करने के लिए अगर 5 ml लगती है तो 2 ml अगर गई है तो कितना एरिया पे कवर हुई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला जा सकता है, मैंने वहीं पे किया। तो टीटा विल बी इक्वल्स टू वी बाई वी एम, और यहाँ पे टीटा का वैल्यू ये निकला, दोनों को इक्वेट करेंगे और दोनों को इक्वेट करने के बाद टीटा विल बी, ये था हमारे पास पहले से इक्वेशन, अब टीटा की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, वी बाई वी एम, और इसको हमने यहाँ पे ऐसे का ऐसा रखा। बस इस इक्वेशन को अगर आप याद रख सकते हो तो ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इस इक्वेशन में बाद में हम क्या करते, कितना गैस डिपॉजिट हुआ है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिपॉजिटेड एडसॉर्ब्ड विल बी इक्वल टू वी एम इंटू बी इंटू पी अपॉन 1 + d × p। अब यहां से हम दो गेम खेल सकते हैं, पहला तो एट लो प्रेशर, दूसरा एट हाई प्रेशर। अब यहीं से आपका फ्रेंडली और लैंगमुइर एडसॉर्प्शन के बीच में कनेक्शन आएगा। अगर कितना, अगर मैं लो प्रेशर पे बात करूं तो कितना वॉल्यूम ऑफ गैस डिपॉजिट होगा लो प्रेशर पे, कितना गैस जाके एडसॉर्ब होगा लो प्रेशर पे। अगर प्रेशर लो होगा तो ये जो पूरा टर्म है ये इग्नोर किया जा सकता है, बिकॉज यहाँ प्रेशर आ रहा है, प्रेशर बहुत लो है तो बी इंटू पी बहुत छोटा हो जाएगा, 1 + d × p में ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली आंसर 1 आएगा, तो सिर्फ वी एम बी इंटू पी बचेगा। तो वॉल्यूम डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू वी एम बी इंटू पी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेस टू 1। ये आपके फ्रेंडलीज आइसोथर्म के साथ कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो आपने यहाँ पे भी पढ़ा था लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करेक्ट है। अब देखो हाई प्रेशर पे, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो बी इंटू पी का वैल्यू बढ़ जाएगा, अगर बी इंटू पी का वैल्यू बढ़ गया तो 1 + में उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो फिर बी और बी, बी पी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वी एम बचेगा, यानी प्रेशर है ही नहीं इंडिपेंडेंट। तो अगर आप चीज ये देखो तो लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म एक तरीके से फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की तरह ही है। फ्रेंडली एक जनरलाइज वे था, लैंगमुइर एडसॉर्प्शन ने यूनिमोलिकुलर और सर्फेस एरिया के बारे में, मोनोलेयर एडसॉर्प्शन के बारे में बात किया। याद रखना मैं यहाँ वर्ड लिख देता हूँ, इट स्पीक्स अबाउट मोनोलेयर एडसॉर्प्शन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का लॉजिक समझ में आया। अब देखो ये जो आपने इक्वेशन निकाला V अपॉन वी एम बी पी वन अपॉन, इसको रीअरेंज करने के बाद हम इक्वेशन ऐसा बना सकते हैं, P को वहीं रख सकते हैं, P और V को नीचे ले सकते हैं, ये ऊपर रीअरेंज करके हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, मैं रीअरेंजमेंट पे नहीं जा रहा हूँ, और इससे हम ग्राफ भी निकाल सकते हैं। आज तक इसके ऊपर ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा नहीं गया कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ना इसलिए यार नेट गेट में ज्यादा क्वेश्चन आया है। अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया तो इसके ऊपर आया है कि अकॉर्डिंग टू लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म कब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी रेस टू 1 होता है और कब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब P रेस टू 0 का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इस चीज को याद रखना, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। और एडसॉर्प्शन फ्रेंडुलिज में भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब वो डायरेक्टली, तो दोनों में सेम ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है चीजों में। यहां पर भी लो प्रेशर पे वो रेस टू 1 था, हाई प्रेशर पे रेस टू 0 था,
यहाँ पर भी हाई प्रेशर पे रेस टू जीरो है और लो प्रेशर पे रेस टू वन है, तो इनडायरेक्टली दोनों चीजें सेम है, फॉर्मूला याद रखना। और ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला, और यहाँ पे जो हमने ये रिलेट किया ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, यानी मैं इनडायरेक्टली कहूँ तो ये और ये दो फॉर्मूले जो है, ये दो फॉर्मूले ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन चीजों को याद रखने की कोशिश करना बस, दैट्स इट, फ्रेंडलिस लेंगमुरे खत्म हो गया, इतना ही है। अब हमारा अगला जो आता हुआ टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, सी देखिए इसके ऊपर ग्राफिकल क्वेश्चन, ये पांच ग्राफ है, पांच टाइप के डिफरेंट डिफरेंट एडजॉर्प्शन हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है भैया कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक चारकोल है तो उसपे मोनो लेयर ही होगा, मल्टी लेयर भी हो सकता है, और कभी कभी हो सकता है कि जो गैस आपकी वहां पर आके एडजॉर्ब हुई है वो अंदर भी पेनिट्रेट कर ले, एब्जॉर्प्शन भी दिखा दे। अगर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ हो रहा है, बीच का फिनोमिना है, तो हम उसे सॉर्प्शन कहते हैं, SORPTION, सॉर्प्शन, ठीक है। हम एक जनरलाइज वर्ड यूज करते हैं कि भैया एडजॉर्प्शन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब समझते हो अंदर चला जाना, जैसे स्पॉन्ज के कपड़े के अंदर पानी घुस जाता है, स्पॉन्ज के अंदर पानी घुस जाता है, हम उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो यहाँ पे पांच टाइप का क्लासिफिकेशन है जो ब्रोनर ने हमको करके बताया था, ब्रोनर सर ने हमको करके बताया था। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो नॉर्मल हम पढ़ते हैं कि आपका ये देखो नॉर्मल वाला मोनो लेयर है, लेंगमुरे टाइप का है, कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा बढ़ेगा, और एक टाइम के बाद फिर वो हाई प्रेशर पे आने के बाद वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो मोनो लेयर है, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, मोनो लेयर है, लेंगमुरे टाइप है, और यूजुअली ये केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। मोनो लेयर जो होते हैं, मैंने कहा ना मोनो लेयर है तो केमिकल एडजॉर्प्शन, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो केमिकल एडजॉर्प्शन होते हैं यूजुअली मोनो लेयर होते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होते हैं वो यूजुअली मल्टी लेयर होते हैं, इस चीज का दिमाग में बिठा लेना, ठीक है ना। जैसे अमोनिया चारकोल के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास इस टाइप का ग्राफ आता है, यहाँ पे देखो ये पहली लेयर बन चुकी है, कैन यू सी, ये ग्राफ और ये ग्राफ मैच हो रहा है ये लोअर लेवल पे, पर फिर से एडजॉर्प्शन चालू हो जाता है, मतलब सेकंड लेयर। तो ये मल्टी लेयर है, ये मल्टी लेयर है, एक्स रिप्रेजेंट करता है कि देखो यहाँ पर पहला एडजॉर्प्शन हो चुका था, मतलब यहाँ पे मैं ऐसे ग्राफ बना रहा हूँ, ये है तो इसके ऊपर ये मोनो लेयर है, दिस इज जस्ट मोनो लेयर, और यहाँ पर जो होगा ये एक मोनो लेयर हो गया, और मोनो लेयर के बाद फिर दूसरा मल्टी लेयर हो जाएगा, सेकंड लेयर का एडजॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। मोनो लेयर, मल्टी लेयर, क्लियर हो गया। अब जैसे नाइट्रोजन अगर सिलिका जेल पे जाके चिपक जाता है, यहाँ पे आप देखोगे थर्ड वाला ग्राफ और फोर्थ वाला ग्राफ, थर्ड वाले ग्राफ में आपको ये समझ में आ रहा है स्लो प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन हो रहा है लेकिन बहुत स्लो है। जैसे ब्रोमीन अगर सिलिका जेल पे जाके चिपकता है तो स्लो एडजॉर्प्शन होगा, और फोर्सेस आर वीक इन फर्स्ट मोनो लेयर, यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन हो रहा होगा वो काफी स्लो होगा, और जो फर्स्ट लेयर है जो वहां पे आके चिपकेगी उसमें फोर्सेस जो होंगे एडजॉर्ब करने की बड़ी कम होती है, तो एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन की रेट बढ़ जाती है, डिजॉर्प्शन बढ़ जाता है, एडजॉर्प्शन हो रहा है, डिजॉर्प्शन भी उतना ही स्पीड में हो जा रहा है, तो स्लो प्रोसेस होता है। सेकंड वाले में भी स्लो प्रोसेस है, तो ये दो ग्राफ को याद रखना, ये स्लो एडजॉर्प्शन दिखाते हैं वाटर चारकोल पे, और ब्रोमीन अगर सिलिका जेल पे जाके चिपकता है। थर्ड वाला अगर आप देखो, ये जो फिफ्थ वाला ग्राफ है, फिफ्थ वाला ग्राफ, जैसे बेंजीन अगर Fe2O3 पे जाता है तो बेंजीन जैसे ही जाके चिपकता है वो वहां पे पोर्स में घुसने की कोशिश कर देता है, लिक्विफाई होता है और पोर्स में घुस जाता है। जैसे गैस कंडेंसेस इन माइन्यूट कैपिलरी, कैपिलरी का मतलब समझते हो भाई, जैसे ये जो स्पॉन्ज में आपको दिखा रहा था, जो स्पॉन्ज दिखा रहा था इसमें भी कैपिलरीज होंगी, इसमें भी कैपिलरीज होंगी। अगर कोई चीज इसके ऊपर आके एड्सॉर्ब हो जाती है और अंदर घुसने की कोशिश करती है स्पॉन्ज में, तो हम क्या कहेंगे कि देखो भैया गैस कंडेंस हो जा रही है, एड्सॉर्ब हो रही है और एब्जॉर्प्शन भी दिखा रही है। तो ये पांच टाइप के ग्राफ याद रखना, मोस्टली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला और ये वाला ग्राफ होता है, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मोनो लेयर है और ये मल्टी लेयर है। द लास्ट टॉपिक इज बीईटी इक्वेशन। सी बीईटी इक्वेशन का कोई डेरिवेशन यूजुअली आपको जल्दी कहीं किसी किताबों में देखने नहीं मिलेगा, ठीक है, इसका डेरिवेशन यूजुअली कहीं देखने मिलता नहीं है। पर बीईटी इक्वेशन क्या बात करता है, बीईटी इक्वेशन बात करता है मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन के बारे में ही, ये मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन की बात करता है। लेंगमुरे एडजॉर्प्शन किसकी बात कर रहा था, मोनो लेयर, ये मल्टी लेयर की बात कर रहा है। अब देखो यहां समझने की कोशिश करना, मान लीजिए अगर मेरे पास चारकोल है और इस एंटायर चारकोल को अगर मुझे कवर करना है, जैसे मान लीजिए ये इसका यूनिट मास है, ये इसका यूनिट मास है, छोटा सा एरिया, अगर उस पूरे यूनिट मास को कवर करने के लिए कितनी गैस की जरूरत पड़ती है, सेचुरेट करने के लिए कितनी गैस की जरूरत पड़ती है कि वहां पे आके चिपक जाए, उसे अगर हम वीएम कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस रिक्वायर्ड टू कवर यूनिट मास विद मोनो लेयर, अगर मोनो लेयर से उस इतने एरिया को कवर करना है मास को तो कितनी वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है, अगर उसे वीएम कहते हैं, और वी रिप्रेजेंट करती है इक्विलिब्रियम वॉल्यूम ऑफ गैस पर यूनिट मास। मान लीजिए इतनी नहीं, अभी तक फिलहाल इतनी हुई है, इतना थोड़ा सा भी एडजॉर्ब हुआ है, अब कितना हुआ है, आप समझ रहे हो, एक तो होती है फाइनल कंडीशन और एक होती है अब कितना हुआ है। अगर फाइनली 5 ml पे पूरा कवर हो जाएगा और अभी सिर्फ 2 ml हुआ है, तो 5 ml रिप्रेजेंट करता है रिक्वायर्ड, उतना होना चाहिए यूनिट एरिया को कवर करने के लिए, और 2 ml क्या रिप्रेजेंट करता है भैया, अभी तक तो 2 ml हुआ है, अभी और होना बाकी है,
तो वी क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्विलिब्रियम वॉल्यूम ऑफ गैस पर यूनिट मास एट प्रेशर पी। अगर पी प्रेशर पे कितनी वॉल्यूम हुई है, और वीएम रिप्रेजेंट करता है फाइनली यूनिट मास को कवर करने के लिए इतनी वॉल्यूम लगेगी। सी एक कांस्टेंट है और पी नॉट है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का मतलब होता है जब ये कंप्लीटली सैचुरेट हो जाएगा उसके बाद कितना प्रेशर होता है, ठीक है। तो देयर इज एन इक्वेशन जो इन सारे रिलेशंस को रिलेट करता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग बीडी इक्वेशन के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं, और आपको ये अगर बाय हार्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर, इसकी थ्योरी या इसका डेरिवेशन एचएस कहीं जल्दी दिया भी नहीं है और एक्सपेक्टेड भी नहीं है। इवन सीएसआईआर नेट गेट में भी अगर आप इसके क्वेश्चन देखोगे तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं और ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं। आई डोंट थिंक सो दैट आपको इसके ऊपर ज्यादा टाइम बर्बाद करना चाहिए। अगर हो सके ये फॉर्मूला बाय हार्ट तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो सकता है तो आप बीटी इक्वेशन को छोड़ दीजिएगा। लेंगमुरे और टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन और फ्रेंडलीच अगर इतना भी आपने कर लिया है मोर देन इनफ है, ठीक है ना। एक लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं सरफेस एरिया। सी इसका मैं थ्योरी समझा देता हूं आपको। सबसे पहले मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास इस तरीके से एक प्लेन है, और उस प्लेन में एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस इस तरीके से प्रेजेंट है। और मान लीजिए मैं कहता हूं मेरे पास यहां पर एक पार्टिकल है ऐसे, देयर इज अ पार्टिकल समवॉट लाइक दिस, एक एड्सॉर्बेंट है, और इस एड्सॉर्बेंट के ऊपर मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूं एक मॉलिक्यूल आके चिपकने वाला है ऐसे। तो भाई एक जो मॉलिक्यूल होता है वो स्फेरिकल होता है, एग्री करते हो, मॉलिक्यूल जो होता है स्फेरिकल होता है। एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम अगर मैं निकालू गैस का मॉलिक्यूल, जैसे नाइट्रोजन ही मान लेते हैं, नाइट्रोजन आके चिपक गया, उसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो उसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है 4/3 πr³। एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम का फॉर्मूला। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो ऐसे होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πr²। अब मुझे एक बात बताना, अगर एक मॉलिक्यूल का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको मिल जाए πr², और ऐसे अगर मैं कहूं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, चार मॉलिक्यूल, पांच मॉलिक्यूल, ऐसे करके अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इस तरीके से क्लोजली पैक्ड है ऐसे, तो भाई अगर एक मॉलिक्यूल का क्रॉस सेक्शन एरिया, आप बोलोगे आप क्रॉस सेक्शन क्यों ले रहे हो, क्योंकि मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता है तो उसका क्रॉस सेक्शन लिया जाता है, ठीक है। सर्कल होता, अगर सर्कल होता तो हम डायामीटर ले लेते थे उसका, पर वो सर्कल नहीं है, वो क्या है, वो स्फेरिकल है। आयो आपको स्फीयर का मतलब समझते हो, अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं तो ऐसे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और अगर मैं ऐसे जेड एक्सेस ड्रॉ करूं तो ये स्फेरिकल होता है। यहाँ पर जो हम लेते हैं वो क्रॉस सेक्शन लेते हैं इस तरीके से, एक मॉलिक्यूल का क्रॉस सेक्शन ऐसे। उम्मीद करता हूं आपको फंडा समझ में आया होगा कैसे हम क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं। तो अगर मुझे एक मॉलिक्यूल का क्रॉस सेक्शन पता चल जाए कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज πr², और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से अगर मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूं तो वो जो पार्टिकल है जिसके ऊपर गैस आके चिपकी उसका सरफेस एरिया पता चल जाएगा। समझ में आया, देखो समझने की कोशिश करना। अगर मुझे मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया, जो एड्सॉर्बेंट है उसका सरफेस एरिया पता करना है, तो मुझे सिर्फ इतना बता दो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है एक मॉलिक्यूल का जो आके चिपका है, नाइट्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा या हेलोजन होगा, कोई भी, उसके एक मॉलिक्यूल का क्रॉस सेक्शन एरिया बताओ। क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, मुझे सरफेस एरिया पता चल जाएगा। जैसे भैया एक सिंपल भाषा में बताऊं, मान लीजिए अगर मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल समझ लेते हैं, और यहां पर एक सर्कल है, अगर मुझे यहां से यहां का एरिया पता चल जाए, यहां पर एक और सर्कल है मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए, यहाँ एक और सर्कल है मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए, ये एक सर्कल है मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए, तो डोंट यू फील अगर मुझे एक मॉलिक्यूल की डायामीटर पता चल जाए और मुझे ये समझ में आ जाए कि कितने मॉलिक्यूल उसके साथ खड़े हुए हैं, तो इनडायरेक्टली मैं इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल सकता हूँ कितना होगा, और इनडायरेक्टली मैं उसका एरिया भी उस हिसाब से निकाल सकता हूँ। तो सेम रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि अगर आपको यहाँ इस मॉलिक्यूल का, ये आपका एड्सॉर्बेंट है जिसपे आके मॉलिक्यूल चिपका है, अगर मुझे इस मॉलिक्यूल का क्रॉस सेक्शनल एरिया पता चल जाए और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चल जाए, तो सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट जो होगा एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसी फॉर्मूले को मैंने यहां लिखा है, अगर मुझे स्पेसिफिक एरिया निकालना है, व्हाट इज स्पेसिफिक एरिया, ये इसका स्पेसिफिक एरिया, ये एक एड्सॉर्बेंट का, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आके चिपके हैं मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब भैया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, दैट इज πr², वो जो एक मॉलिक्यूल है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया πr² होता है। क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, ठीक है।
क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आके चिपके हैं ये निकालना बड़ा आसान है भाई, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता चलेगा, अगर मैं तुमसे कह दूं कि इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर 2 डेसीमीटर क्यूब गैस चिपकी है, 2 डेसीमीटर ऑफ गैस जाके चिपक चुकी है, तो अगर गैस 2 डेसीमीटर क्यूब चिपकी है तो मोल कॉन्सेप्ट का फंडा होता है। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ ए गैस दी गई है और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू वेट अपॉन मोलार मास, वेट अपॉन मोलार मास ये भी ग्राम्स में और ये भी ग्राम्स में, और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अगर लीटर में दी गई है डिवाइडेड बाय 22.414 अगर वो लीटर में है। अब ये पता होगा 1 मोल ऑक्यूपाइज 22.414, तो अगर कुछ वॉल्यूम दिए उसे हम नंबर ऑफ मोल पता कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ये दे दें कि इतनी गैस चिपकी है जाके, तो हम पता चल गया नंबर ऑफ मोल्स कितना है। अगर नंबर ऑफ मोल्स पता करना होगा तो बड़ा सिंपल सा है, वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय 22.414। ये गिवन वॉल्यूम किसमें होनी चाहिए, लीटर में, क्योंकि ये नीचे की वॉल्यूम भी किसमें होती है, लीटर में, याद रखना डेसीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। आई होप आपको स्पेसिफिक एरिया का फॉर्मूला समझा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे निकालते हैं, यहाँ पे एन को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, एवोगाड्रो नंबर वहीं रहेगा। अब रेडियस ऑफ वन मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे भैया, रेडियस ऑफ वन मॉलिक्यूल क्योंकि पाई आर स्क्वायर है ना क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला, तो रेडियस ऑफ वन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं वन मॉलिक्यूल के वॉल्यूम से। सी वी ऑल नो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल इज 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3 × वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो वन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अगर पता करना हो, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अगर पता करना हो, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखना, मोलार मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, मोलार मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर इनटू डेंसिटी। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल पता करना हो तो मोलार मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर इनटू डेंसिटी, दिस इज नथिंग बट क्यूब रूट। तो क्या मैं रेडियस को ऐसे लिख सकता हूँ, दिस विल बी 3 × मोलार मास अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी रेज्ड टू 1/3, और मुझे यहाँ आर स्क्वायर चाहिए, तो रेडियस को अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूं तो डोंट यू फील वो 2/3 हो जाएगा, देखो स्क्वायर है और रेडियस में ऑलरेडी 1/3 आया है, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और यही लॉजिक लगा के आप सरफेस केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को और एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। दैट्स इट, इतना ही सरफेस केमिस्ट्री अगर आप पढ़ के चले जाते हो मोर देन इनफ हो जाता है। इसके बाद जो अगला पार्ट होता है उसे कोलोइडल केमिस्ट्री कहते हैं, जहां पे आप सोल एरियोसोल के बारे में पढ़ते हो, फिर आप वहां पे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ते हो, फिर वहां पे आप पढ़ते हो कि वो जो सोल बनते हैं उसमें कैसे पॉजिटिव लायोफोबिक क्या होता है, लायोफिलिक क्या होता है। सो आई पर्सनली बिलीव अगर उस टॉपिक को आप फिलहाल ना भी पढ़ो तो भी चलेगा, हो सकेगा तो मैं उसका भी एक छोटा सा क्रैश कोर्स का एक वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें वो सारे टॉपिक आपको कवर करवा दूंगा। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, और इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ कि कोई एक क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाए जिससे आपको फायदा हो जाएगा। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो अभी लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरी बात, ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।